नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लखनऊ में दर्दनाक हादसा, वैन पर पलटा बेकाबू ट्रक, 5 लोगों की मौके पर ही मौत। नितिन राउत की उड़ान पर कोर्ट सख्त, कलमनाथ को कमान। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। राजधानी लखनऊ के इटौंजा में शुक्रवार सुबह एक बेकाबू ट्रक वैन पर पलट गया। हादसे में वैन सवार 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। प्रभारी निरीक्षक इटौंजा के मुताबिक शुक्रवार सुबह कुम्हरावा के पास बेकाबू ट्रक वैन पर पलट गया। हादसे में एक मासूम सहित 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को बाहर निकाला, उनको इलाज के लिए ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक सभी घायल व मृतक उन्नाव के रहने वाले हैं, वह लखनऊ से सीतापुर जा रहे थे। अभी किसी की शिनाख्त नहीं हो सकी है, परिजनों को बुलाया गया है। घायलों की स्थिति बोलने की नहीं है। वैन में मिले कागजों के आधार पर परिजनों से संपर्क किया गया है, उनके आने के बाद ही मृतक और घायलों की शिनाख्त हो सकेंगी। दूसरी खबर, महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत कथित रूप से सरकारी खर्च पर निजी हवाई यात्रा पर विवादों में फंस गए हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस नेता और ऊर्जा मंत्री राउत ने लॉकडाउन के दौरान निजी काम के लिए हवाई यात्रा की और इसका भुगतान सरकारी बिजली कंपनियों के माध्यम से करवाया गया। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति गिरीश एस कुलकर्णी की खंडपीठ ने अधिवक्ता सोनल, अर्चित चतुर्वेदी और अली काजमी के माध्यम से विश्वास पाठक द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने इस याचिका के आधार पर राउत को 28 जुलाई तक जवाब देने का निर्देश दिया। वहीं उनके इस यात्रा के लिए 40 लाख रुपए वसूलने को लेकर भी सवाल किए गए। राउत के खिलाफ बीजेपी के मीडिया विंग के प्रमुख विश्वास पाठक ने हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की है। तीसरी खबर, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में बड़े फेरबदल के संकेत मिले हैं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक इसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को एक्टिंग प्रेसिडेंट या वर्किंग प्रेसिडेंट भी बनाया जा सकता है। इतना ही नहीं, आने वाले कुछ महीनों में कांग्रेस पार्टी नया अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया शुरू कर देगी। जानकारी मिली है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जल्द बुलाई जाएगी, इसके बाद बड़े फेरबदल हो सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष चुनने के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सेशन अगस्त महीने में हो सकता है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।